Welcome everyone, I am Dr. Anjali Saxena. I welcome you all to my YouTube channel. So most awaited video is here. As all of you requested for important questions for examination, so video is here. Dear learners, आज हम discuss करने जा रहे हैं कि AKTU examination 2021-22 के point of view से engineering chemistry के important questions कौन से हैं. तो अगर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं तो स्पेशली हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्वेश्चंस आपके कहीं छूट ना जाएं या इन क्वेश्चंस में आपकी कोई गलती ना हो, इन क्वेश्चंस को आप और अच्छे से करके जाएं. तो वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रही हूं, जिससे कि आप पेपर अच्छा कवर कर पाए और अच्छा स्कोर कर पाए. AKTU की एग्जामिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए. जो हमारे पेपर का पैटर्न है उसमें तीन सेक्शंस में हमारे को डिवाइड किया हुआ है पूरा पेपर. एक है सेक्शन ए, एक है सेक्शन बी, एक है सेक्शन सी. सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 है, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 है, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 है. क्वेश्चन नंबर 1 में यानी कि सेक्शन ए में 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे. ये 20 मार्क्स को कवर करेंगे. यहां पर ईच यूनिट के 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट. वहीं सेक्शन बी के 5 पार्ट होंगे, ए बी सी डी ई. यहां हर एक यूनिट का एक क्वेश्चन होगा. तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और कोई 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे. तो 3 × 10 ये 30 मार्क्स का यहां पर कंट्रीब्यूशन होगा. यहां पर मॉड्यूल वाइज ही आपके क्वेश्चन होंगे, जैसे क्वेश्चन 3 यूनिट 1 से होगा, बट ये इंटरचेंज हो सकता है कि 4 1 का हो जाए, 3 2 का हो जाए. बट जनरली ऐसा होता है कि क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 2 का होता है, क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट 3 का होता है, एंड दिस इज ऑफ 4 एंड दिस इज ऑफ 5. ये ऑर्डर फिक्स नहीं है, बट ये बात फिक्स है कि हर एक क्वेश्चन जो होगा वो एक मॉड्यूल का होगा. हर एक के 2 पार्ट होंगे, ए और बी, और आपको कोई एक पार्ट चूज करना होगा. तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि आपके अगर आप एक यूनिट की बात कर रहे हो या आप एक मॉड्यूल की बात कर रहे हो, तो हर एक मॉड्यूल से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, एक सेक्शन बी में और 2 सेक्शन सी में. तो इन 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं. तो 4 मार्क्स का ये और 20 मार्क्स का ये आपको देगा एक यूनिट. अब यहां कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो हमेशा आते ही आते हैं. जैसे कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1 से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड लिक्विड क्रिस्टल. ये 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स में आपको दिखाई ही देंगे. इसी तरीके से जो मॉड्यूल 2 है यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, वहां पर आपको यूवी, आईआर और रमन, इनमें से कोई 2 स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको 100% मिलेंगी. और जहां तक चांस है इस बार के पेपर के, पिछले साल के पेपर का पैटर्न देखते हुए, यूवी और आईआर, यहां आईआर का न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है, रमन आपसे सेक्शन बी में पूछी जा सकती है और यूवी 2 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती है. लेकिन यहां पर जो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है आईआर वाइब्रेशंस, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, आईआर के मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, ये 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. इसी तरीके से मॉड्यूल 3 जो कि है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फेज रूल और कोरोजन, वहां से पहले नंबर पे आपका फेज रूल पूरा करके जाएं आप इस चैप्टर को. 2 क्वेश्चन का बना हुआ चैप्टर है पूरा. फेज रूल क्या होता है, इसकी टर्म्स क्या होती हैं और वाटर सिस्टम पर इसको अप्लाई करना. तो वाटर सिस्टम तो 110% आपको मिलेगा ही मिलेगा, आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ है जिसमें ना मिले. इसके अलावा आपको यहां से इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी जरूर मिलेगी, या वेट थ्योरी कह सकते हैं आप, ये आपको मिलेगी. और सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड या तो इसका पार्ट होगा. देखिए 2 मैकेनिज्म है इसकी, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन टाइप कोरोजन, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन टाइप कोरोजन. तो आपका
एक तो मतलब कि एक मैकेनिज्म पूछी जाएगी और हो सकता है सैक्रिफिशियल एनुटी प्रोटेक्शन मेथड या तो इस क्वेश्चन के साथ पूछ लिया जाए या फिर 2 मार्क्स में कवर किया जाए, वो भी आता ही है, बट ये 2 क्वेश्चन तो इसके 100% आते हैं। मॉड्यूल 4 से आपका एक ट्रीटमेंट मेथड जरूर पूछा जाता है। अब ट्रीटमेंट मेथड जो बचे आपके वो है जियोलाइट, आयन एक्सचेंज, लाइम सोडा। तो लाइम सोडा का सिर्फ प्रिंसिपल पूछ के उसका न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है जो काफी टाइम से ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, या फिर हॉट लाइम सोडा की एडवांटेजेस ओवर कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, हॉट लाइम सोडा पूछा जा सकता है। बट जियोलाइट और आयन एक्सचेंज ज्यादा पूछे जाते हैं। एक कुछ पैटर्न इस तरीके के भी होते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस पूछा जाता है, फिर डिसेलिनेशन पूछा जाता है, फिर लाइम सोडा का न्यूमेरिकल हमसे कराया जाता है। तो एक मेथड कोई आपको यहाँ जरूर दिखाई देता है, या तो वो जियोलाइट दिखाई दे सकता है, या वो आयन एक्सचेंज दिखाई दे सकता है, और न्यूमेरिकल आपको एक अगले क्वेश्चन में दिखाई दे सकता है लाइम सोडा का। इसके अलावा इस मॉड्यूल से जो 100% आने वाला क्वेश्चन है वो है बॉम्ब कैलोरी मीटर। तो ये हमने देखे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 के कुछ क्वेश्चन। मॉड्यूल 5 जो कि है पॉलीमर्स और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इस चैप्टर से आपका ग्रिगनार्ड रिएजेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछा जा सकता है, जिसकी रिएक्शंस हैं, एप्लीकेशंस हैं। देखिए मैं आपको 10 मार्क्स और 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वो क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं इंपॉर्टेंट के नाम पे सिर्फ 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता रही हूँ। इन 10 को आप बहुत अच्छे से करके जाएं। देखिए लिक्विड क्रिस्टल या लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट या मीजोमॉर्फिक फेस आपको मिलेगी ही। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक आपको जरूर मिलेगा। लास्ट टाइम में कई बार से NO O2 NO O2 O2 या इस तरीके से आ रहा है, तो इस बार CO के चांसेस थोड़े ज्यादा बन जाते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट 100% आपको मिलेगा। फेज रूल, वाटर सिस्टम, बॉम्ब कैलोरीमीटर प्लस न्यूमेरिकल, मॉलिकुलर वाइब्रेशन, लाइम सोडा का न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, पॉलीमर्स में डेक्रॉन आपका इम्पॉर्टेंट है, नियोप्रीन, नाइलॉन 6 और क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट हमारे 2020-21 में 2 मार्क्स में आया था और 21-22 और सेम में आया ही नहीं है। ग्रेफाइट भी नहीं आया है, फ्लूरीन आया है। ग्रेफाइट पिछले 2 पेपर में नहीं आया है। तो ये वो 10 क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिनको आप बिल्कुल भी छोड़कर ना जाएं, बहुत अच्छे से कवर करके जाएं। अब मैं कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बताती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक अरेंजमेंट आपको 100% मिलता है पेपर में सेक्शन ए में, तो O2, O2+, O2-, इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ या स्टेबिलिटी में अरेंज करा लिया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स आपसे पूछा जा सकता है, और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी जैसे कि वाई इट शोज लिब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, वाई इट शोज कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, ये एक क्वेश्चन 2 नंबर में फिट हो सकता है। ग्रेफाइट आया नहीं है हमारे 2 पेपर में। UV IR एक्टिव और इनएक्टिव मॉलिक्यूल का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, आप इसको देख लीजिए। इनकी सबकी कंडीशन पता होनी चाहिए कि यूवी के लिए अनसेचुरेशन होना चाहिए, IR के लिए डाइपोल मोमेंट होना चाहिए परमानेंट, या रमन के लिए आपका पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए। क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम का एक क्वेश्चन बनता है। सैक्रिफिशियल या वाटर लाइन के 3-3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, अगर आपको याद हो तो। जो सैक्रिफिशियल था उसमें ये था कि वाई अंडरग्राउंड आयरन पाइप इज कनेक्टेड थ्रू अ इंसुलेटेड वायर टू द जिंक ब्लॉक, या फिर आपका हल ऑफ द शिप का एक क्वेश्चन बताया है, उसको कनेक्ट कर देते हैं हम जिंक ब्लॉक से, या फिर एक आयरन टैंक है उसको हम इंसुलेटेड वायर की हेल्प से एक मैग्नीशियम ब्लॉक से अटैच कर देते हैं। ये 3 सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन के क्वेश्चन थे और वाटर लाइन के 3 क्वेश्चन थे। इन 6 में से कोई एक आपको यहाँ दिखाई देगा कि एक मेटल की रॉड है जो हाफ डिप्ड है वाटर में या वर्टिकली प्रेजेंट है, तो कोरोजन बॉटम से स्टार्ट होता है, या आपका जस्ट बीनीथ द वाटर लाइन एक आयरन टैंक जो पानी से भरा हुआ है उसका कोरोजन स्टार्ट होता है, या आयरन नेल है। तो इन 6 में से कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ जरूर दिखाई दे सकता है। हार्डनेस का न्यूमेरिकल 2 मार्क्स में आता है, कैलोरीफिक वैल्यू 2 मार्क्स में आती है, एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट 2 मार्क्स में आ सकती हैं,
एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड काफी टाइम से नहीं आया है, 2-3 पेपर हो गए, ये यहाँ पर आ सकता है। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, जो आप, मेरे को ये लगता है कि जब आप एक पेपर की तैयारी करके जा रहे हैं और एक अच्छे पेपर के लिए आप तैयार कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को आप छोड़ के बिल्कुल भी ना जाएं। तो बहुत जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स, क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। एंड ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप सभी बहुत अच्छा करके आइए, अपना 100% देके आइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।